वनों की कटान रोकने पर डीएफओ विकास कुमार ने कहा कि वनों की कटान रोकना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। गोरखपुर के जंगल बहुत कीमती जंगल है क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा साखू सागौन के पेड़ सबसे ज्यादा हैं, जिसके कटान को रोकने के लिए वन विभाग के कर्मचारी दिन व रात में गश्त करते हैं। यदि किसी प्रकार की अवैध गतिविधियाँ पाई जाती हैं तो तुरंत कार्रवाई की जाती है। इसके साथ ही वनों के अंदर अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाई है, जिसके लिए वनों के प्रवेश मार्ग पर बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए हैं। इसके बाद भी कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उनके वाहन को जब्त किया जाता है और कहीं पर भी पेड़ कटान की सूचना मिलती है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाती है। लकड़ी बरामद करके अभियुक्त को जेल भेजा जाता है तथा अधिक से अधिक जुर्माना वसूल किया जाता है। उन्होंने बताया कि वनों की कटान को रोकने के लिए सुरक्षा दल का गठन किया गया है, जिसमें 6 से 7 टीमें शामिल हैं जो सबकी गतिविधियों पर नजर रखता है और कहीं पर भी सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीएफओ विकास कुमार ने कहा, वनों की कटान रोकने के लिए वन विभाग क्या क्या प्रयास कर रहा है? देखिए, वनों का कटान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता से एक है। गोरखपुर के जंगल हैं बहुत ही कीमती जंगल हैं, यहाँ साल और साखू की लकड़ी जंगलों में विद्यमान है और इसके लिए हम लोग ने जो है चौतरफा एक तरह से हम लोगों ने प्लान बनाया है। पहला, इसमें हम लोग हमारा जो स्टाफ है वो पूर्णतः सजग होते हुए दिन और रात में गश्त करता है, पूरे इलाके में भ्रमण करता है और किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों की पाई जाती हो तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। दूसरा, इसमें है कि हम लोगों ने जंगल के अंदर अनाधिकृत प्रवेश पर रोक लगाई है और इसी के संबंध में जितने भी मुख्य प्रवेश अंदर जाने के हैं या जिससे जो है ग्रामवासी या जा सकते हैं या कोई इलीगल एक्टिविटी करने लोग जा सकते हैं, उस पर हम लोगों ने बोर्ड इसी संबंध में बड़े बड़े बोर्ड लगाए हैं और उसमें सुरक्षा खाई हम लोगों ने खुदवा दी है, बैरियर लगवा दिए ताकि कोई भी अनाधिकृत इसमें प्रवेश ना करने पाए। फिर भी यदि कोई अनाधिकृत प्रवेश करता है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाती है, उसके वाहन को जब्त किया जाता है। और तीसरा, हम लोग प्रयास करते हैं कि कभी भी अगर किसी भी तरह का कोई भी अवैध गतिविधि हुई, यदि कोई पेड़ कटान की हमें समस्या मिलती है तो उस पर हम लोग कठोरतम कार्रवाई करते हैं। लकड़ी बरामद की जाती है, जो अभियुक्त होता है उसको जेल भेजा जाता है और अधिक से अधिक उस पर जुर्माना वसूल किया जाता है। हम लोगों ने जो है एक सुरक्षा दल का भी गठन किया है, जो उड़न दस्ता भी हम कह सकते हैं, जो केवल इसी काम के लिए लगा हुआ है और सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई होती है, चाहे वो आरा मशीन हो किसी के घर में हो या हमारे जंगल में हो। और उसके साथ ही हम लोगों ने जो चौथा हम लोगों ने प्रयास किया है वो हम लोगों ने कमांड सेंटर स्थापित किया है, जिस पर कोई भी जो है 24 घंटे में कभी भी सूचना दे सकता है, सूचना मिलने पर हम लोग उसमें तुरंत कार्रवाई करते हैं। सर, कुल कितनी टीमें लगाई हैं गश्त की? गश्त की जो टीम है हर रेंज में एक एक टीम है और उस टीम में लगभग 5 से 6 लोग हैं जो कि लगातार गश्त करते रहते हैं और एक जो टीम है पूरे जो है प्रभाग स्तर पर गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन स्तर पर एक टीम है जिसमें 5 लोग हैं। तो इस तरह मिलाकर लगभग 6 से 7 टीमें हमारी जो है लगातार जंगलों में गश्त करती रहती हैं।